टीचर के ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, वरना गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, वरना गद्दी छोड़ दो। चंडीगढ़ स्थित दरुआ गांव में चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन टूटी सड़कों और व्यवस्थाओं को लेकर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप नारेबाजी देख सकते हैं कि बीजेपी शासित नगर निगम के लीडरों के खिलाफ जो है नारेबाजी लग रही चल रही है लगातार कई घंटों से। साथ ही साथ सड़क जो पड़े हुए गड्ढे हैं सड़कों पर उन्हें भरने का कार्य भी है जो यहाँ पर किया जा रहा है। आइए बात करना चाहेंगे यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गजनवी है और मैं चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस से हूँ। आज हम लोग ये जो हमने प्रदर्शन किया है, आज हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि 2014 में एक ऐसी सरकार आई जिसने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, पर दुर्भाग्यपूर्ण कि वो सबका साथ नहीं, वो सबका साथ सबका विनाश हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी 7 सालों से देश में, प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना गया कांग्रेस के राज में, जहाँ चंडीगढ़ जैसी सिटी हमारी, चाहे वो सफाई में हो, चाहे वो ग्रीनरी में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, हमारे नेता आदरणीय पवन बंसल जी की नेतृत्व में हम अव्वल नंबर पर रहे। पर दुर्भाग्यपूर्ण 2014 बाद एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसी सांसद आई जो चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करे। चुनाव के समय में कहा गया कि माई पीपल माई प्राइड। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैडम, मैं कहता हूँ कि मैडम किसी वजह से अगर नहीं हो पाई है, अगर वो अस्वस्थ है, हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो शीघ्र जल्द ठीक होए, पर उनको अपना कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को या अपना एक एडिशनल चार्ज किसी को देना चाहिए था क्या? आज आम जनता जो है त्रस्त है, कौन इनकी सुनवाई करेगा? आज कांग्रेस पार्टी पवन बंसल जी की अगुवाई में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी के नेतृत्व में हम लोग विरोध, जितना हमसे हम विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं हम कर रहे हैं। अभी आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, किस परिस्थितियों को देखकर धारा 144 लगाई गई? साफ डर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि धारा 144 लगा दी गई है, नगर निगम का चुनाव है, ताकि इनकी जो जन विरोधी नीति है वो आम जनता तक ना पहुँचे, तो इन्होंने धारा 144 लगा दी है। पर कांग्रेस पार्टी जो लोगों की आवाज़ है वो पिछले 7 साल में वो उठाती आई है और आज भी उठा रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं आज जनता जो है उससे त्रस्त हो गई है। और आने वाले नगर निगम के चुनाव में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता जो है इनको नगर चंडीगढ़ से भी और देश से भी उखाड़ कर फेंकेगी। आशीष जी, आपने बात करी कि बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर हैं, जो भी हैं चंडीगढ़ में, जिनकी जवाबदेही बनती है, वो लोग काम नहीं करवा रहे या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिस तरह का आपका मैसेज है, लेकिन उनकी तरफ देखें, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से जितने भी कार्य हैं वो सब किए जा रहे हैं, क्या ये सच है? आपके सामने है, अगर कार्य किए जा रहे हैं तो सड़कें क्यों नहीं बन? आज सड़कों का क्या हाल है? आज पानी आप देख लीजिए, चंडीगढ़ के सेक्टर से लेकर कॉलोनी से पिंडों तक हर जगह पानी गंदा आ रहा है। पानी के दामों में तीन से ज़्यादा गुना वृद्धि कर दी गई। गार्बेजेस के एक्स्ट्रा जो एडिशनल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए गए। मैं बड़ा ही मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है, कि कौन सा कार्य कर रहे हैं 7 साल के उसमें। अगर इतना ही कार्य कर रहा होता तो ये स्मार्ट सिटी पहले नंबर से, जो हमारी चंडीगढ़ सिटी थी जो अव्वल पे थी, वो 20वें नंबर पे क्यों जाती भैया? हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, हम झूठ फरेम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं। आज भी आप दिखाइए यहाँ पे गांव दड़ुआ की स्थिति की क्या हालत है। आज कांग्रेस पार्टी इसको खुद ही अपने कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स, यहाँ के सभी लोग एकत्रित होकर खुद ही यहाँ पर अपनी सड़कें बना रहे हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के नेता? यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, गड्ढे भर रहे हैं। भाजपा के नेता कहाँ पर हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के होने नाते हमारा सवाल है, पर यह पहली बार हुआ कि लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किस तरह से आज विपक्ष को ही टारगेट कर लेते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की सरकार आज ये कार्य कर रही है। एक चीज और, गड्ढे तो आप लोगों की ओर से भरे जा रहे हैं, एक हमारे साथ और अंकल जी जुड़े हैं, क्या नाम है अंकल? मैं जी कुलवंत सिंह, एक्स-सरपंच दड़ुआ। एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ तो गड्ढों का तो बुरा हाल ही है, साथ के साथ पेट्रोल, घर का सामान, गृहणियों का जो सामान है, तेल वगैरह, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो इस पे तुम्हारे जो राष्ट्रीय खबरनामा है तुम्हारा, इसके माध्यम से यही कहूँगा सर प्रशासन को और ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, भाजपा सरकार बैठी है, कारपोरेशन में भाजपा सरकार बैठी है, हर जगह पे भाजपा सरकार बैठी है। लोग भाजपा सरकार के अंदर बहुत परेशान हुए हुए हैं महंगाई करके। मेरे ख्याल 90-80% लोग जो पिंडा च कलोनिया रेंदे है, जिन्हों का लक टूटिया पिया है जी, उन्होंने रोटी पकानी बड़ी मुश्किल हुई भी है, लकड़ा वह नहीं मिलती हैं क्योंकि पिछले करोना काल आ गया, इन्ना लकड़ा का खर्चा होया है, सारा लकड़ा की भी कमी पै गई हिंदुस्तान के, क्योंकि भाजपा सरकार ये सोच नहीं रही भी कम से कम गैस सिलेंडर अज फिर 70-75 रुपये जोड़ा 19 किलो का है जो सिलेंडर 75 रुपये रेट बढ़ाते वह दसो सरकार कितने जाएगी। आपने कभी सोचा था कि कभी इतना दाम बढ़ेगा? नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था हमने। तो हमने सोचा नहीं था अगर बीजेपी सरकार आएगी पेट्रोल इतना बढ़ाएगी, डीजल इतना बढ़ाएगी, बेरोजगार हो गए लोग बाग। आप जैसे लोगों ने ही तो वोट दिए थे। हमने तो कांग्रेस, हम तो कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने गलती की है उस गलती की सजा भुगत रहे लोग बाग। उस गलती की सजा ये गड्ढों में गाड़ी कुदा के भुगत रहे। गड्ढे तो हम आपके सामने देख लो, हम खुद भर रहे हैं यहाँ पे प्रशासन नगर निगम यहाँ। एक चीज और आशीष जी, सवाल है मेरा आपसे कि अब इलेक्शन आने को है, ये गड्ढे भरने का अब याद आया? नहीं नहीं, आप इस चीज से पहले लगाइए, आप चंडीगढ़ लेवल पर आप लोग चंडीगढ़ लेवल पे आप लोग खुद देखते आ रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे युवा कांग्रेस ने हर प्रकार से, चाहे वो गांव है, कॉलोनीज हैं, वो हर जगह, चाहे वो गड्ढे की समस्या है, पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, हर समस्या को लेकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में विरोध कर सकते हैं हम लोग, आवाज़ उठा सकते हैं। पर आपके माध्यम से फिर बता देना चाहता हूँ कि हमारे पे आपको पीछे याद होगा हमारे पे कितने मुकदमे दर्ज कर दिए गए, कभी मेरे ऊपर खुद 6 मुकदमे दर्ज किए गए भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं आपको बताना था कि कांग्रेस पार्टी पिछले 7 साल से देश में और प्रदेश में, देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जो जनविरोधी नीतियां हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके राहुल जी लोगों तक संबोधित कर रहे हैं, इन सरकार की जनविरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और चंडीगढ़ में भी हमारे नेता पवन बंसल जी, सुभाष चावला जी के नेतृत्व में हम लोग सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधियों को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। और जो कार्य कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर कर रही है, वो इनको सत्ता में बैठ कर भी वो ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीते दिनों यहाँ पे बदल ले गए थे, उसके बाद से प्रदर्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी देखे होंगे। अभी एक भाई साहब और थे जो मेरा पिछला सवाल था, उसी पर जवाब मांगना चाहूंगा आपसे। दसो की करने हो? ये गड्ढे भरने का, गड्ढे समय समय से लोग खुद भरते हैं, किसी ने उरे पेंचर भी नहीं लाया, जे लाया जेदा होटल है या किसी का घर है उन्हें खुद भरते है। तो यहाँ का पार्षद कौन है? कोई नहीं है, वाली बारस, ये लवारस है पिंड। जब लवारस है, लवारस ना माँ है, ना बाप है, ना फुफड़ा, ना भूआ है, ना मामा, ना तो इसे आप ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ का हिस्सा है। कैसा है चंडीगढ़ का हिस्सा? गड्ढा है यहाँ तो? गड्ढा तो है, पर हूँ की करिए, है चंडीगढ़ का हिस्सा। जो किसी ने वोट लेनी उदों तो सारे आ जाते हैं, ठीक है ना जी, भी वोट दो जी, असी फुल वाले, असी पंजे वाले, असी आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, नहीं कहता भी असी पंजे वाले हैं, वोट मंगने तो सारे आते हैं, खड्डे का लोग खुद ही भर रहे हैं, जा कहो नहीं भरते। मैं उधर चलो बलवंत टूर एंड ट्रैवल वाल, उत्थे लाल इट भाई भी है, असी सट्टे ना, वो कल उत्थे कोई होर सट गया ट्राली, लोग पद्धर कर लेंगे जिदे अगे सट गया, जिदे अगे खड्डा वो की करेगा दसो। आपका घर कहाँ है? मेरा घर उरी पिंड, मैं 32 साल हो गए उरे रेंदे नूं, 32 साल जे हाल बिचू ठीक होया था, अज तो 15-14 साल पहला एक बार सड़क बनी थी, उस तो बाद टुट दी चले गई, किसी कोई उरे बाली बारिश नहीं। उधर पानी देखो किन्ना गंदा आंदा है, पानी टॉयलेट वाला आ रहा मिक्स हो गए, लोग पी रहे बीमार हो रहे हैं। किसी तरह की लिखित कंप्लेंट आप लोगों ने इकट्ठे होके? सर जी मैं ना पढ़िया लिखा नहीं है, साढ़े सूझवान व्यक्ति खड़े हैं, ना गल करो भी कंप्लेंट करिए। किसी तरह की कंप्लेंट आप लोगों की ओर से दी? काफ़ी दफ़ा कंप्लेंटें दे चुके जी प्रशासन को, जनता अपने परसनल लैवल पर भी देकर जा चुके, क्योंकि जनता इतनी तंग हुई भी है ना जी भाजपा सरकार तो, वो कहें जी इन्हें कहे इन्हों कहने ही बंद कर दो भाजपा सरकार को, लोग अपने आप मीडिया वाले बुला के कई दफ़ा पानी नहीं आते पिंड गलियों वाटर जो आता गंदा आता 40-40 साल दुरानी पाइपा पई हुई सारिया क्रैक हो गई, जो कनैक्शन कर लगा फिर उस तो बाद गंदा पानी हफ्ता हफ्ता आ जाता है। गंदे पानी की समस्याओं के बारे में हमने जान लिया। आशीष जी, माई बाप की बात उठ रही है, इस गांव का माई बाप अगर आपके हिसाब से माना जाए तो किसे माना जाए? देखिए, इस गांव का जो है ये अभी जो
नगर निगम में 12 गांव जो है वो मर्ज हुए हैं, ठीक है ना। ये पहले यहाँ पे सरपंच होया करते थे। मैं आपने एक प्रश्न किया कि कंप्लेंट है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण सूद हो जाए चाहे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, उनको जब वो यहाँ पर आते हैं कोई अपनी मतलब खुशी मना रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, यहाँ पे 200 पुलिस वालों को यहाँ पर जाम कर दिया जाता है, यहाँ पे उनको आम जनता को परेशानी के लिए, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है? और सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्थानीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है, मैं तो सबसे ज़्यादा उन पर ही मुझको मैं उनसे असंतोष हूँ कि किस प्रकार वो राजनीति कर रहे हैं अपने की भारतीय जनता पार्टी। कहाँ है वो लोग? वो आज यहाँ के हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच भी रहे हैं, भाजपा के नेता भी हैं, कि अगर इतने ही लोगों के हितेशी हैं तो क्यों नहीं लोगों की आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं अपने नेताओं तक ये बात को कर पा रहे हैं? किसान यहाँ पर जो है विरोध करते आ रहे हैं, ठीक है, एक साल से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या है ये सरकार? सरकार के ऊपर बहुत बातें हो चुकी, बहुत से चैनलों में बातें हो चुकी, दोबारा आपके पास आऊंगा। आपका आक्रामक जो जिस तरह से जुनून है, जिस तरह से बातें हैं, एक चीज जानना चाहूंगा, 3-4 महीने बाद फिर इलेक्शन है, फिर हाथ जोड़ के कोई ना कोई वोट मांगने आएगा, तो उस वक्त क्या ये गड्ढे भर दिए जाएंगे या गड्ढे दिखाए जाएंगे? ये ना लोग ही भरनेंगे जब तक कोई सरकार नहीं बनती। आप लोग गड्ढे नहीं दिखाओगे? गड्ढे भाजपा वाले तो करेंगे नहीं, जो कांग्रेस सरकार आएगी तो हो सकता है ठीक हो जाए, ठीक है ना जी। उम्मीद छोड़ दी हमने, जिस तरह से भाजपा से उम्मीद छोड़ दी है, ये कथन जो है यहाँ पीछे खड़े लोगों द्वारा जो है कहा जा रहा है कि किसी जिस तरह से गड्ढे हर जगह पर है, नाकामियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ प्रभारी हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे ये गड्ढों को लेके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है? ये केवल गांव डड़ुआ की हालात नहीं है, हर एक जगह का, पूरा चंडीगढ़ में मोली जागरा, विकास नगर, मनी माजरा, इस हेलो माजरा, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर हैं, सरपंच है, वहाँ और ज़्यादा बेहतर है। जहाँ कांग्रेस के हैं वहाँ तो चलो काम भी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी काउंसलर हैं बिल्कुल बुरा हाल कर रखे हैं, ये हालात है। इन्होंने दुकानदार, व्यापार, रोजगार सारा खत्म करा दिया, अब सड़क, बिजली, पानी का भी इतना हालात बुरा करा दिया कि कोई कहने के लायक नहीं है। जिस तरह से कंप्लेंटे हैं वो हर गांव, हर गली से निकल के सामने आ रही है, ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन आने को है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो समस्याएं हैं लोगों की वो भी सुनने को कोई नहीं आता, जैसे इस जगह का भी माई बाप नहीं है। वैसे चंडीगढ़ में ऐसे कई गांव हैं जहां पर कोई भी माई बाप नहीं निकल के आता। आखिर कंप्लेंट दी जाए तो किसे दी जाए, कौन अधिकारी है, कौन नियुक्त किया गया है, किसी तरह की कोई सूची नहीं, किसी तरह की कोई आगे नहीं उठ के आता, तो लोग यहाँ मजबूर हैं जो दिन भर काम करके रोटी कमा के खाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि उनके घर के बाहर गड्ढा, पानी साफ नहीं आ रहा, आखिर उसकी सुनवाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, अपने आप से पूछिए, अधिकारी खुद अपने आप से शीशे में खुद को खड़े होके ये बात पूछिए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।